बनाने जा रही हैं गुड़ वाले चावल। तो सुशीलाज किचन में सुशीला की रेसिपी से गुड़ वाले चावल बनेंगे। आइए बनाते हैं। ग्लास चावल है, इनको अच्छे से धो के और मैंने भिगो दिया था लगभग 2 घंटे पहले, ये देखिए। और ये है गुड़ का पानी। गुड़ का जो पानी है ना, ये 3 ग्लास पानी मैंने छाना है। जितना राइस है वजन के हिसाब से उतना ही गुड़ है, उस गुड़ का पानी बना लिया मैंने और पानी बनाने के बाद छान लिया। अब हम बनाते हैं मीठे चावल। 1 ग्लास चावल के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी, आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम डाल रहे हैं सौंफ का छौंक लगेगा हमारे राइस में। इसमें डालेंगे 2 मोटी इलायची और 3-4 लौंग, बादाम और अब हम इसमें डाल देंगे ये 3 ग्लास पानी गुड़ वाला। ये जब पानी उबल जाता है ना, तब हम इसमें डालेंगे राइस। गुड़ वाला पानी अच्छे से उबल गया, अब हम इसमें डाल देंगे ये राइस। इलायची पाउडर, 3 से 4 इलायची का पाउडर है और ये थोड़ी केसर, 8-10 पत्तियां हैं केसर की, जिसे अच्छे से पीस लिया है। और इसमें डालेंगे अब हम ये नारियल का पाउडर, ग्रेट किया हुआ नारियल है। किशमिश और ढक्कन को बंद करके 1 विसल आने के बाद हम बिल्कुल छोटे बर्नर पर लो फ्लेम पर 2 विसल आने तक इसे पकने देंगे। ये देखिए राइस बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इनकी गार्निशिंग ये देखिए, बहुत ही शानदार जैगरी राइस बनके बिल्कुल तैयार है। ये जो राइस है ना, ये हेल्दी तो है ही है, जैगरी जो है वो आप सर्दी गर्मी कभी भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो राइस है ना, इनके साथ दाल भी खा सकते हैं आप। वैसे तो मीठे और नमकीन का बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो मीठा और नमकीन है ना, इसका कॉम्बिनेशन दाल बाटी चूरमे जैसा लगता है, तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दाल बना लीजिए इसके साथ, जो मिक्स दाल बनाते हैं ना हम, वो दाल बना सकते हैं, अकेले राइस भी खा सकते हैं, बनाइएगा ज़रूर। और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।